गुलेरिया थाने की पुलिस ने दुष्कर्म लूट करने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर दो अभियुक्तों के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान अमरजीत निषाद उर्फ मिट्टू निषाद निवासी बनगाई टोला बंगला थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा अरविंद निषाद पुत्र राकेश निषाद निवासी बनगाई टोला बंगला थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर दुष्कर्म व लूट की कई घटना शामिल थे, जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गुलेरिया में आज दो गिरोहों के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसमें एक गिरोह अमरजीत के नेतृत्व में था, जिसमें कि उसके विरुद्ध लूट और चोरी तथा बलात्कार संबंधी अपराधों के आपराधिक इतिहास था। दूसरा गिरोह सूरज और इस्माइल के नेतृत्व में था, इसमें ये लोग पशु तस्करी करते थे और कुशीनगर से और गोरखपुर से पशुओं को ले जाकर बिहार में बेचते थे। उल्लेखनीय है कि ये वही गैंग है जिसने गुलेरिया थाने के सामने पीआरबी को क्षतिग्रस्त किया था। इन दोनों ही गिरोहों के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी और अनियमित पाए जाने पर उसको जब्ती कराया जाएगा।